हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव रेशियो एनालिसिस। इसके पहले हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस का बेसिक पढ़ा था, राइट, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग के बारे में देखा, ये देखा कि रेशियो एनालिसिस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी अलग अलग तरीकों से उनको प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो देखा। और साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस देखा, यानी कितनी तरह से रेशियो एनालिसिस को बांटा गया है, कितनी तरह से अलग अलग टाइप्स हैं उनके, कि जो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, राइट। तो वो बेसिक्स हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो लिंक है वो बना रहे, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का लिंक बना रहेगा तो पढ़ने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो, राइट। क्या रीजन है कि जो हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ओके। तो रीजन में यानी ऑब्जेक्टिव यानी जिस चीज के लिए हम काम करें वही हमारा एक तरह से इंपोर्टेंस भी हो गया। तो वही पहली लाइन लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव रेशियो एनालिसिस एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि यही जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली यही इसका क्या बन गया, सिग्निफिकेंस भी बन गया, यानी इंपॉर्टेंस भी बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रेशियो एनालिसिस द इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली बी अंडरस्टूड ब्रीफली एंड साइंटिफिकली। देखो बेसिकली सिचुएशन कैसा है, अगर मैं पूरा अकाउंट का डेटा, ठीक है, 4-5 पेज का डेटा अगर मैं किसी पर्सन को देता हूँ तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर दैट पर्सन, राइट। क्योंकि इट मे पॉसिबल कि उसके पास वो टैलेंट ना हो, इट मे पॉसिबल दैट वो अकाउंटिंग नॉलेज इतना पोजेस ना करता हो, लेकिन अगर उसी को मैं रेशियो में प्रेजेंट करता हूँ, कि रेशियो का मतलब तो मैंने समझा दिया है कि रिलेशंस बताता हूँ मैं उसको, अगर तो अगर मैं रिलेशंस बताता हूँ तो इट मे पॉसिबल दैट ही कैन बी इजिली अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, राइट। ही कैन इजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, राइट। दैट्स व्हाई हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। नाउ useful to different users of financial statement to make their decision. अब हम लोग को पता है कि business में there are number of people who are related with the company, right? Number of people. तो जब number of people है यानी different types के users हैं तो वो लोग को भी अपना अपना decisions लेना होता है। तो वो decisions लेने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, company का financial statement चेक करते हैं। Without the financial statements वो कोई भी decision लेंगे नहीं, तो वो भी अपना decisions ले सकते हैं, right? तो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया। तो अभी स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो पहला ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो सिचुएशन कैसा है कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उससे जो है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन मिलता है। स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ सिर्फ डेटास ही डेटास मिलते हैं, यानी नंबर ही नंबर मिलते हैं। तो नंबर का तो अपना कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नंबर का वैल्यू नहीं है, देखो क्योंकि नंबर तो लोगों को समझ में आएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो है वो रेशियो वर्क करता है कैसे, एज ए इंडिकेटर टू द यूजर्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इंडिकेटर्स की तरह काम करता है। इंडिकेटर्स का मतलब कैसे होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं। अब उस एनालिसिस के बेस पे लोग क्या करते हैं कि मीनिंगफुल एंड यूजफुल, देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस से क्या होता है, टू मेक दिस एनालिसिस मीनिंगफुल एंड यूजफुल रेशियो एनालिसिस यूज्ड। अब जब वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो यूज करते हैं, राइट। टू मेक दिस एनालिसिस मीनिंगफुल एंड यूजफुल रेशियो एनालिसिस यूज्ड, राइट। तो ये था पहला पॉइंट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेकंड वन इज फॉर सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड में क्या लिखा है, फॉर सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, सिर्फ नंबर ही नंबर दे रहा है, तो नंबर्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। तो अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, रिप्रेजेंटिंग अकाउंटिंग फिगर्स इन मोर सिंपल एंड ब्रीफ इन साइंटिफिक फॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अ स्पेसिफिक रिलेशन विद ईच अदर इन द रेशियो एनालिसिस क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन। क्या बोला यहाँ पे, द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अ स्पेसिफिक रिलेशन। सी ईच एंड एवरी कंपोनेंट, जितने टाइप्स के हम लोगों ने फॉर्मुलाज देखे हैं, हर फॉर्मूला का अपने कंपोनेंट के साथ कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है, और वो स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो क्लेरिफाई करेगा ये रेशियो क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे एक है नाम मैंने लिखा हुआ डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट का मतलब यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड, यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पैसे, यानी ये बताता है कि कंपनी में कितनी लाइबिलिटी के तौर पे है पैसे और कितने हैं एज ऑनर्स, राइट। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि कितना हम लोगों ने लोन लेके स्टार्ट किया है और कितना ऑनर्स लोगों का है, तो ये रेशियो से हमें ये पता चलता है।
तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब हम रेशियोज निकालेंगे तब। अदरवाइज जो सिंपल पर्सन होगा, जो नॉर्मल आदमी होगा, वो तो बेचारा पूरा देख के कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये सारे डेटास क्या है, क्या है, कैसे है, तो वो समझना मुश्किल है। लेकिन अगर ये है रेशियो, तो डिफिकल्ट चीजों को भी सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे दिस रेशियो शोज दैट प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी अगेंस्ट द डेट। रेशियो एनालिसिस रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड देयर सिंपल अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर। बेसिकली व्हाट डज द रेशियो एनालिसिस, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट? एंड वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट दैट बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स, राइट, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट, एंड मेक देयर अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर्स, राइट, सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर देता है। ओके, तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोनों पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू नो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ द एंटिटी। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो कैसा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। अब जब बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, इन अकाउंटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय द अप्लाइंग द रेशियो एनालिसिस इन डिफरेंट फॉर्म्स। और देखो, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, यानी सिर्फ बैलेंस शीट देख के, या जो बैलेंस शीट है हमारा, या जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सिर्फ ये देख के ये पता करना मुश्किल है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस क्या है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रेशियोज हैं जहां से अंदाजा लगाना ये आसान है कि कंपनी की एक्चुअल, कहते हैं ना, वैल्यू क्या है, कि उसकी स्टेटस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने की कैपेसिटी क्या है। जैसे कौन से स्टेटस है, यहाँ पे देखो, आई मीन कौन से फॉर्मूलाज हैं। इन अकाउंटिंग रेशियो, सॉरी, इन अकाउंटिंग the profitability of the business can be measured by applying the ratio analysis in the different forms, where gross profit ratio, net profit ratio, return on capital employed, rate of return on equity shares, etc. are included. यहाँ पे कुछ ऐसे ratios हैं, इनकी help से हम लोग जान सकते हैं कि company की profit कमाने की status क्या है, कितना है उनका capacity, right? अभी हमारा third point, next point है, sorry, to know लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ द एंटिटी। अब लिक्विडिटी स्टेटस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। याद होगा मैंने वर्ड यूज किया था लिक्विडिटी प्रीवियस क्लास में, तो मैंने बोला था जब भी लिक्विडिटी की बात आती है, बेसिकली इट मींस कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, राइट? तो यहाँ पे देखो, द लिक्विडिटी रेशियो एक्सप्लेन्स द कैपेसिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी। हम लोग एक लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़ने वाले हैं, और उस रेशियो से क्या पता चलेगा कि जो कंपनी है वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के काबिल है या नहीं। बेसिकली इट हैज अ कैपेसिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और नॉट, राइट? नाउ सी हियर, फ्रॉम द लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड वेयर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। अगर वो पिछला वीडियो देखोगे, उसमें क्लियर मैंने समझाया है कि जो लिक्विडिटी रेशियो होता है उसमें दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, करंट रेशियो और एक है लिक्विड रेशियो, और इन दोनों की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है वो कैसा है, मतलब वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के काबिल है या नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू नो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। पहला में क्या था, शॉर्ट टर्म था, अब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म। अब किसी भी कंपनी का अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टेटस जानना है कि क्या है, कैसा है, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज मेजर्ड बाय डिडक्टिंग टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी मतलब समझो, हायर द डिफरेंस हायर द सॉल्वेंसी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हायर द डिफरेंस हायर द सॉल्वेंसी, यानी कि जब हम लिखते हैं टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल एसेट्स, राइट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिडक्टेड टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स, इट मींस कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, इट मींस बेसिकली हायर द सॉल्वेंसी, राइट, एन आइडियल मेजरमेंट टू ऑब्टेन द बोरोइंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास ये कैपेसिटी ज्यादा है तो सामने वालों को क्या लगेगा, इसका मतलब इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर ये हमसे लोन भी लेंगे तो फ्यूचर में पे कर देंगे। इट मींस बेसिकली इट इज अ आइडियल सिचुएशन दैट यू कैन बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, नाउ द लेंडर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी फोकस ऑन द सॉल्वेंसी, और बेसिकली जो भी पैसा देने आता है वो यही देखता है इनकी कैपेसिटी इतनी है कि नहीं, कि वो हमें फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एनालिटिकल प्रेजेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट इज अवेलेबल बाय द रेशियो एनालिसिस वेयर डेट इक्विटी रेशियो टोटल एसेट्स डेट रेशियो एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। और ये सारी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रेशियोज है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, राइट, टोटल एसेट्स डेट रेशियो, ये सारी चीजें जिनसे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में पता चलेगा।
पिछला वीडियो क्लासिफिकेशन वाला देखोगे ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी होगी, क्योंकि देखो अभी ये मैंने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी हम कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं, तो वो रेशियोज के बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, राइट। तो मैंने कहा ना लिंक बना रहेगा, कंटिन्यूअसली वीडियो देखोगे तो लिंक बना रहेगा, क्लास मिस करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, राइट। अगर आता है दैट्स टू गुड, नहीं आता है तो फॉलो द क्लासेस रेगुलरली, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, टू नो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूज ऑफ एसेट्स, रेशियो एनालिसिस इज यूज्ड। अब देखो सॉरी यूजफुल, अब यहाँ पे कैसा है, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी इतनी एफिशिएंट है या नहीं कि उनके पास जो भी चीजें हैं उनका प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो जानने के लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप के रेशियो हैं। जैसे फॉर दिस टर्नओवर रेशियोज आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल स्टॉक टर्नओवर रेशियो, याद होगा जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने देखा था एफिशिएंसी, उसमें हमने एक था स्टॉक टर्नओवर, यानी मैंने बताया था कि वहां पे ये चेक करेंगे हमारा जो हमारा जो गुड्स है स्टॉक है रॉ मटेरियल्स है वो बार बार मार्केट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इससे पता चलता है हम कितनी बार अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, ओके। नाउ द फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसा है, द ट्रेंड ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम कैन बी सीन बाय द रेशियो एनालिसिस। सी द ट्रेंड ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम, अगर किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो तो वहां से पता चलेगा कि भाई तुम्हारा जो बिजनेस का ट्रेंड है वो कैसा है, कैसे। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ड्यूरिंग लास्ट 5 years द जीपी रेट इज 20%, 30%, 24, 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। अब इससे क्या पता चल रहा है, हेयर इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ग्रोथ इन द जीपी रेशियो ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। बेसिकली व्हाट इज इंडिकेटिंग दिस, इट इज इंडिकेट्स द फेवरेबल ट्रेंड फॉर अ कंपनी, राइट, कि कंपनी के लिए भाई सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, कहते हैं ना पांच उंगलियां घी में है उनकी। दिस ट्रेंड कैन बी यूजफुल टू द कंपनी टू अंडरटेक प्लानिंग एंड फोरकास्ट। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से कंपनी कोई भी फ्यूचर डिसीजन जो है वो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन उनके लिए फेवरेबल है, यानी कोई भी काम कर रहा है सक्सेस मिल रहा है, फेवरेबल सिचुएशन है, तो यहाँ पे वो अच्छे खासे डिसीजन लेके अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। तो फोरकास्टिंग के लिए भी हमें यूजफुल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीक एस्पेक्ट्स। अब देखो सब कुछ अच्छा ही नहीं, कभी कभी बुरी चीजें भी पता चलती हैं, तो बुरी चीजों में क्या है, देयर मे बी ओवरऑल गुड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी, प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, राइट, जीपी रेशियो काफी दिख रहा है, लेकिन सिचुएशन कैसा है, आउट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, देयर मे बी वीक परफॉर्मेंस ऑफ एनी वन एस्पेक्ट एंड द गुड परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर एस्पेक्ट्स, राइट, बट द एवरेज will be satisfactory, but under ratio analysis, each aspect is evaluated individually. अब यहाँ पे इतने सारे formulas देखने वाले हैं, इतनी सारी चीजें देखेंगे, it may possible जब हम लोगों ने balance sheet बनाया होगा, जब हम लोगों ने profit and loss बनाया होगा, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा, right? सब बढ़िया दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कंपनी का जो एवरेज है वो वीक है या सच में एक्चुअली कंपनी वीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग को पता चल जाएंगी, ओके। नाउ सो द इन्फॉर्मेशन फॉर वीक एस्पेक्ट can be obtained and necessary remedies can be undertaken. अगर पता चल गया भाई गड़बड़ी क्या है तो necessary remedies ले सकते हो, जब तक गड़बड़ी नहीं पता चले यानी mistakes क्या है, problem क्या है वो नहीं पता चलेगा, तब तक तुम remedies कहाँ से लोगे, that's why यहाँ पे हम लोग की help हो जाएगी, okay? Now the next one, for inter-firm and intra-firm comparison. अब देखो inter-firm and intra-firm क्या है कि दो तरह से हम compare करते हैं, हम normally हमेशा दो तरह से compare करते हैं, एक खुद से और एक दूसरों से। तो inter-firm and intra-firm क्या है, यहाँ पे देखो द कंपेरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी विद द अदर बिजनेस एंटिटीज इज नोन एज अ इंटरफर्म कंपेरिजन। देखो जब तुम किसी और से कंपेरिजन कर रहे हो तो कंपेरिजन द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी विद द अदर बिजनेस, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंपेरिजन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, राइट, एंटिटी विथ अदर बिजनेस, दैट इज नोन एज अ इंटरफर्म। और यही अगर चीज तुम खुद के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंट्राफर्म बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो दिस रेशियो एनालिसिस असिस्ट टू नो हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट अ बिजनेस एंटिटी इज स्ट्रॉन्ग और वीक एज कंपेयर टू द अदर बिजनेस एंटिटी। अलग अलग कंपनियों के रेशियोस अवेलेबल है, कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करके चेक कर सकते हैं ना कि हमारा भाई कहाँ कम हो रहा है, उनका कहाँ ज्यादा है, तो वो सारी चीजें हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।
Now, the next one, the ratio analysis assists to know how and to what extent a business entity is strong or weak as compared to the other business entity, right? So, ye, I hope ki yahan tak to clear ho gaya hoga. Now, the next one. दिस कैन बी ऑब्टेन बाय रेशियो एनालिसिस. और ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? रेशियो एनालिसिस से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देख के सारी चीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. राइट नाउ व्हेन द कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑफ बिजनेस एंटिटी इज डन, इट इज नोन एज द इंट्रा फर्म. यानी कि कंपेरिजन अमंग डिफरेंट डिविजन ऑफ एंटिटी. राइट, तो याद रखना है कंपेरिजन अमंग डिफरेंट डिविजन ऑफ अ एंटिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म. अब इंट्रा फर्म से क्या पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट वीक है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है? हम ये कैसे पता करेंगे? जब हम लोग कंपेयर करेंगे आपस में ही. ओके, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव. राइट, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा. तो सारे ऑब्जेक्टिव एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताबड़तोड़. ठीक है, जिसे बोलते हैं ताबड़तोड़ रिविजन, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. पहला क्या लिखा? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन होता है. स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन से डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है. हमारे पास रेशियो होगा तो हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं. राइट, द नेक्स्ट वन इज अ सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब क्या है कि हमारे पास डेटाज है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो रेशियो एनालिसिस को हम लोग यूज कर सकते हैं. ये सिर्फ मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. राइट, द थर्ड वन क्या है? टू नो प्रॉफिटेबिलिटी. अलग अलग टाइप के रेशियो यूज करके हम जान सकते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है. राइट, नेक्स्ट वन, लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ द एंटिटी. अलग अलग टाइप के रेशियोज है हमारे पास, लिक्विडिटी, करंट रेशियो. राइट, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं कर सकती है. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू नो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के काबिल हो या नहीं हो. अगर ये हायर है तो मतलब हायर द सॉल्वेंसी. और इससे क्या पता चलेगा? तो मार्केट से पैसे अगर लेने जाओगे तो लोग तुम्हें देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये रेशियो अच्छा है तो लोगों को भरोसा होगा तब तो वो लोग तुम्हें पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू नो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा कि ये जाना कि बिजनेस सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी चीजें हैं उनका प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं. फ्यूचर डिसीजंस का मतलब क्या है कि अगर कंपनी अपने कंटिन्यूसली रेशियो एनालिसिस बना रही है, कंपेयर करेगी, तो कंपेयर करके कंपनी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस प्रोडक्ट को बंद करके दूसरा प्रोडक्ट लाना चाहिए. पता कर सकते हैं ना कि सेल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, तो इन्वेस्टमेंट और करना है कि नहीं करना है, कुछ नया लाना है या नहीं लाना है, वो सारी चीजें, यानी फेवरेबल है या नहीं है या अनफेवरेबल है, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टू इन्फॉर्मेशन अबाउट वीक एस्पेक्ट. मतलब कंपनी की कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ वीक है, उसके बारे में इजिली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और लास्ट है फॉर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन. राइट, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन का मतलब ये होगा कि कंपनी खुद से भी कंपेरिजन कर सकती है और दूसरों से भी, और दोनों ही सिचुएशन में अगर जहाँ वीक होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको कैसे भी करके हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. राइट, तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर हो गया होगा. अभी नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन. देखो, ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो गया होगा तो लिमिटेशन लगभग क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद हम पहुंचते हैं लिमिटेशन पे. तो लिमिटेशन क्या है यहाँ पे? द रेशियो एनालिसिस इज अ ट्रेडिशनल टूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट. राइट, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस. थ्रू इट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस एंटिटी आर मेजर. दिस टूल हैज अ लिमिटेशन ऑल्सो. देखो, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा. हमने देख लिया कि भाई फायदा क्या हो सकता है, तो लिमिटेशन देखो क्या है. पहला है डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर देखा होगा हर जगह मैंने एक बात बोली कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अलग अलग डेटास के बीच में, अलग अलग जो हमारे नंबर्स है उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो नंबर्स ही गलत हुए तो. अगर नंबर गलत हुए मतलब कंपेरिजन गलत. राइट, अगर नंबर ही गलत हुए तो रेशियोज गलत. रेशियोज गलत तो कंपेरिजन गलत, डिसीजन गलत. कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. अगर सामने वाले पर्सन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से नहीं बनाया तो तुम तो गए. राइट, तो ये पहली मिस्टेक है, पहला लिमिटेशन है. तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. यूज सॉरी अंडर रेशियो एनालिसिस द इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, बेसिकली रेशियो इज डन on the basis of financial statement. Right? Ab situation kaisa hai? It means the success depend, basically it is based on the information disclosed in the financial statement. Now, if true and fair information is not disclosed,
बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एनालिसिस वुड आल्सो प्रेजेंट इनकरेक्ट पिक्चर, यानी कि अगर शुरुआत ही गलत हो गया तो अंत कहां से सही होगा, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट वन, अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, एनी इंडिविजुअल रेशियो डज नॉट प्रोवाइड एनी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, द यूज ऑफ रेशियो कैन बी एस्टैब्लिश ओनली व्हेन द स्टैंडर्ड रेशियोज आर अवेलेबल फॉर द कंपैरिजन। स्टैंडर्ड रेशियोज का होना जरूरी है। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, इफ स्टैंडर्ड रेशियोज आर नॉट डिटरमाइंड द कंप्यूटर रेशियो बिकम यूजलेस, दस द अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो शोज द यूजफुल लेंथ ऑफ रेशियो एनालिसिस। मतलब क्या है, एक फिक्स रेशियो बोलो या स्टैंडर्ड, मतलब कि ये चीज है भाई, इतना होगा तो अच्छा होगा, इतना होगा तो बुरा होगा, ऐसी चीजों का अगर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ रेशियो कोई फायदे नहीं है। जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि जो 60% स्टूडेंट आया उसको फर्स्ट क्लास में रखना है, जो 70 के ऊपर आया उसको डिस्टिंक्शन रखना है, राइट, 80% के ऊपर आया उसको A+ देना है, 90 के ऊपर आया A++ देना है, तो ये हमारा एक तरह का स्टैंडर्ड हो गया। ये सारी चीजें होंगी तो कंपेयर करना आसान होता है, डिसीजन लेना आसान होता है, राइट। तो आई होप की पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्राइस चेंजेस। अब देखो सिचुएशन कैसा है, द बेस ऑफ रेशियो एनालिसिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा है कि मतलब ये है कि हमारा जो रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज की एंट्रीज होती है, हमने स्टार्टिंग में जो मशीन परचेस किया था वही दिखाते हैं, दैट्स व्हाई ये लोग बोल रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। अब हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये है कि उस पर इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई मशीन हमने 10 लाख की परचेस की है तो एसेट में 10 लाख ही दिखा रहे होंगे, इट में पॉसिबल मार्केट में राइट ना उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई हो, राइट, या मार्केट में वो नई मशीन परचेस करने जाओगे तो भी 5 लाख में ही मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम है, ओके। दस प्राइस चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड इन द रेशियो एनालिसिस ऑल्सो। अब रेशियो एनालिसिस में जब तुम नहीं इंक्लूड करोगे इस चीज को तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, राइट। अब मैं 10 लाख का तो कैलकुलेट करके मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन पता चलेगा कि मार्केट में भाई औकात ही नहीं है उसकी, तो ये सिचुएशन नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, ओके। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब देखो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या है, रेशियो एनालिसिस इज मेथड ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेसिकली इट कैलकुलेट ओनली द नंबर्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इनफैक्ट रेशियो इनफैक्ट रूल मतलब सिचुएशन कैसा है, कोई भी बिजनेस कमाती कैसे, किसी भी बिजनेस का जो कहते हैं ना वर्क है वो अच्छा कैसे चलता है वो देखो। रेशियो एनालिसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, टेम्पो, विच आर स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स और द मैनेजमेंट आर इग्नोर्ड। देखो बिजनेस के पास कितने भी पैसे हो, ठीक है, कितने भी मशीनें हो, कितने भी एसेट्स क्यों ना हो, अगर ये लोग नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, और ये लोग का होना जरूरी है ऑनेस्ट, लॉयल, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो तुम कितने भी अच्छे बिजनेस क्यों ना करो प्रॉब्लम होगा, और ये सारी चीजें हम लोग कभी नहीं चेक करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो जो हमारा अकाउंटिंग का लिमिटेशन वही लिमिटेशन इसका भी हो गया, ओके। नाउ डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। अब देखो कंपैरिजन वाला सिचुएशन कैसा, जो हम लोगों ने देखा ना कि इंट्रा फर्म इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, वो सिचुएशन कैसा है यहाँ पे देखो, व्हेन टू बिजनेस एंटिटीज फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द रेशियो एनालिसिस बिकम्स यूजलेस। अब सिचुएशन कैसा है कि जब दो कंपनी अलग अलग रूल्स फॉलो कर रही है, राइट, जैसे डेप्रिसिएशन का मान लो रिटर्न डाउन वैल्यू में फॉलो कर रहा हूँ और सामने वाला स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है, तो अब मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, प्रॉब्लम हो गया कि नहीं। जैसे अब इसमें देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, स्टॉक का हो गया, राइट, मतलब बेसिकली ये कुछ चीजें होती है जहां पे अलग अलग मेथड से कंपनी अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड यूज करते हैं। जब अपने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस का कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, ओके। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा क्लास होता है फिनिश, ओके। टोटल कितने लिमिटेशन थे, 5 लिमिटेशन थे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने स्लो स्लो स्लाइड में बढ़ा रहा था ताकि स्क्रीनशॉट ले सको। अगर इसका नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, अगर नहीं बनाना तो वीडियो को ही फास्ट फॉरवर्ड में देख के पढ़ सकते हो, राइट। और अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, बिकॉज आपका ये सारा जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये मुझे मोटिवेट करेगा तो और भी चीजें मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो लोग ये सारी चीजें करते हैं। क्या क्या करते हो, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट। और अगर वीडियो में कुछ भी चीजें हैं तो अपना फीडबैक जरूर देना, राइट, फीडबैक इज मस्ट, अच्छा बुरा नहीं, नो,
जो भी है, फीडबैक इज कंपल्सरी। विदाउट द फीडबैक तो मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कितने लोगों ने देखा, या सिर्फ यही होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द फीडबैक। ओके, तो ये सारी चीजें जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ऐसे लंबा सा स्माइल और थैंक यू सो मच, और ये लंबी सी स्माइल। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।